ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम, ऐसा नाम निरंजन। Shooting.
सुशोभित ने समय नूं मुख रख के प्यारी साध संगत जी परिवार सारिआं कोलों हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा है। हुण सत्कारयोग सरदार बलजीत सिंह जी MLA जलाल कुसमा वाले परिवार वालों आई हुई सारी संगत का धन्यवाद करनगे जी। मैं उन्होंने चरणों च बेनती करा कि वह परिवार की बेनती मानते हुए सतगुरु के सन्मुख आउण ते संगत नूं बेनती है देख लै कि गुरु का लंगर छक के जाण जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੀਅਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। तीसरी चौथी क्लास पढ़ता सी जो ये फुलवाड़ी किड़ी सी परिवार दो भैणा के नाल तीसरे शरीर ने कट्ठिया जन्म लिया। मैं समझदा कि यह परिवार एक उस वेले वाहिगुरू का शुक्र किया होगा खुशियां मनाईया गई होणगियां कि कट्ठिया ही साडा परिवार परमात्मा ने सपूरन किया। पर यह नहीं पता कि थोड़े समय बाद उस होनहार वीर उस बच्चे ऐसी भयानक बीमारी लग जानी जिदा इलाज ही कोई नहीं। Yeah.
Thank you.
Yeah.
ਫਟ सिमरन तो बिना बंदगी तो बिना मालिक कहते सारे चलते फिरते बुरते जीवित भेखे जिनी हर हर ते आया। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते इस संसार विच ओहीओ जीवदे ने ओहीओ जागृत अवस्था दे विच ने जिन्ना ने हर हर ध्याया जिन्ना ने परमेश्वर के नाम जपया सिमरन जुड़े साध संग तिन्नी दर्शन पाया और साध संगत द्वारा बंदगी करके सिमरन करते हुए परमेश्वर के दर्शन प्राप्त कर लिया। रहन न पावे सुर नर देवा ओठ सधारे कर मन जन सेवा। आपा सारा परिवार जो संगत रूप जुड़ बैठे हाँ जानते हाँ कि अपने परिवार के मैंबर काका तेजवीर सिंह जी सपुत्र भाई साहब भाई बिक्रमजीत सिंह जी जो सतगुरु के वलों श्वासा की पूंजी लैके संसार दे विच आए उस नूं भुगदिया होया वापस इस लोक विचों चले गए। सतगुरु की वाणी दे विच आपां नूं ज्ञान दिता है एक दिल पर भी श्वास का वाधा घाटा नहीं होता है। हुण आपां देखना साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी द्वारा क्योंकि वह सानू साडे जीवन की जांच समझा रहा है। इस संसार दे विच आए हाँ वह मालिक ने सानू यह मानस जन्म दे के भेजा है। जिस तरह अपने परिवार के विचों बच्चा चला गया इस तरह आप भी संसार दे विच आए आप भी चले जा रहे। लेकिन हुण देखना कि जो लाहा लैण वास्ते सानू यह मानस जन्म मिलिया वह लाहा असी खट रह गए। सतगुरु की बाणी जो सानू जीवन की जांच दस रहे जिसनों ज्यौदिया होया असी उस सच निरंकार दे नाल मिलना है उस मुताबक साडा जीवन चल रहा क्योंकि जदों असी सतगुरु की बाणी तो ज्ञान लेंदे हाँ वो सानू समझाते हैं कि यह संसार दे विच तुसी अपना मरन लिखा के आए हो यह संसार दे विच हुण तुसी किवें विचरना है दे विच विचरदे संसार दे विच रहण दे। एक तो साडे जीवन की रूपरेखा यह माया दे वल्लों तैयार हुंदी है जे असी उहदी तैयार कीती हुई रूपरेखा अनुसार अपना जीवन बतीत करदे फिर असी इस माया नाल जुड़ के अपने इस जन्म का लाहा खट के नहीं जाते हार के चले जाते। वार वार सानू जन्म मरण के गेड़ विच पैना पैंदा है। गुरबाणी ने ही आपां नूं ज्ञान दिता है जदों पातशाह की बाणी आपां पढ़ते हाँ सरवण करते वह सानू समझाउंदे मर मर जाते जिनी राम ना जानिया क्यों आए हो राम नूं जानन वास्ते आए हो सच नूं मिलन वास्ते निरंकार नूं मिलन वास्ते। पंजवें पातशाह रोज आपां नूं गुरबाणी रही ज्ञान इहो तेरी वारी है यह जिहड़ी वारी है मालिक नूं मिलन वास्ते निरंकार नूं मिलन वास्ते सानू बख्शिश हुई। लेकिन असीं जे इस संसार दे विच आ गए हां
ਇਹ ਮਰਨ ਸਾਡਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ ਜੀਵਨ ਸਾਜੈ ਮਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਪੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹਰੀ ਵੱਢ ਲਏ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢ ਲਏ ਤੇ ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੱਢ ਲੈਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਉਂ ਕਰਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕਰਸਾਨੀ ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਵਾਢ ਕਰਾਵੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਜੇ ਬਚਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਹੈ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੋਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਐਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਬਿਯੋਗ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭ ਲੈ ਕੇ ਚਾਉ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਗਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਮਨ ਹਰ ਜੀ
Yeah.
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਅਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ
बचे सरबत संगत दूरो नेड़ो आ करके सची ते सुची सब भांजली भेड़ कीते सतगुरु जी सबना दियां हाजरियां प्रवान करनियां सतगुरु जी आप जी दियां बख्शिश दातां विचों पंचम कड़ाहा प्रसाद की देख सजा करके हाजिर की साधना बाणी पढ़दियां होईयां बिनत भुना चुका दे सोच पवित्रा हुण लाभ हो भोग हराए भोग लगा होया प्रसाद आप जी दी संगत विच रसनी लायक होवै जो जो सके सो आप जी दा सतनाम वाहिगुरु दा जाप जपे सतगुरु जी आप जी ने कृपा करनी भाई बिक्रम सिंह दे समुचे परिवार नूं भाणा मान दा बल बुद्धि बख्शिश करनी अपने दरो करो गुरसिखी नाम दान दी दात बख्शिश करनी सच्चे सतगुरु जी कृपा करो जी चल रही गुरबाणी दे प्रवाह विचों संगतां नूं पवित्र हुक्मनामी दी बख्शिश करके कृतार्थ करो जी सही गुरमुख प्यारे मेलो जिन्हां दे मिलिया आप जी दा नाम चेत आवे नानक नाम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा आ गया भैया काल की तब चलायो पंथा सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह जो प्रभ को मिल वो चाहे खोज शब्द देह राज करेगा खालसा ताकी रह न को सुशोभित ने समय नूं मुख रख के प्यारी साध सिंह जी परिवार सारिआं कोलों हथ जुड़ के माफ़ी मंगदा है। हुण सत्कारयोग सरदार बलजीत सिंह जी MLA जलाल उस्मा वाले परिवार वालों आई हुई सारी संगत का धन्यवाद करनगे जी। मैं उन्होंने चरणों च बेनती करा कि वह परिवार की बेनती मानते हुए सतगुरु के सन्मुख आउण ते संगत नूं बेनती है देख लै कि गुरु का लंगर छक के जाण जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुगड़ल
दशा पातशाह की जगती जोत साहिब सिंह ग्रंथ साहब की पावन पवित्र गोद में बैठे अज इस पवित्र स्थान से गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे कत्तर होए साढ़े वीर बिक्रमजीत सिंह के होनहार पुत्र जिन्हां ने इस परिवार में जन्म लैके अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा अपनिया उन्हां भैणां दे नाल जिन्हां भैणां दे नाल जन्म होया सी कुछ हिस्सा बतीत करदिया होया अपने परिवार नाल दिन बतीत कीते अज उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट करन आई हुई समुची साध संगत फतेह सांझी करदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुक्म होया कि जिथे वीर बिक्रमजीत सिंह जी साढ़े परिवार का मैंबर होने के नाते परिवार वालों सारी ही आई हुई समुची साध संगत का गुरबाणी नाल जुड़े हुए सारे ही उन्हां शख्सियतां दा उन्हां सीर पक्षों आए हुए चल के सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा है। उत्थे जिहड़े महापुरश आए उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा है कि जिन्हां ने श्रद्धा दे फुल भेंट करके गुरबाणी गुरु दा वचना राही सानूं समझौणा भी कीता है कि सानू मनुखा जन्म च होंदिया होया जिथे उस वाहिगुरु का शुकराना करना चाहिए उथे नाम सिमरन करता भी उन्होंने ढंग तरीका सिखाया और मैं समझता है कि वह जिहड़ा काका साडा चला गया वह भी एक एहोजी शख्सियत सी जिहड़ी छोटी उम्र के विच भी साडे इस परिवार को वीर बिक्रमजीत जी गुरु के नाल जोड़ता उन्हें जतन किया। जदों का जन्म होया छोटी उम्र के बहुत वड्डी बीमारी लग गई तीसरी चौथी क्लास पढ़ता सी जो ये फुलवाड़ी खिड़ी सी परिवार दो भैणों के नाल तीसरे शरीर ने कट्ठा जन्म लिया। मैं समझदा कि यह परिवार एक उस वेले वाहिगुरु का शुक्र किया होगा खुशियां मनाईया गई होणगियां कि इकट्ठे ही साडा परिवार परमात्मा ने सपूरन किया पर यह नहीं पता कि थोड़े समय बाद उस होनहार वीर नूं उस बच्चे नूं ऐसी भयानक बीमारी लग जानी जिहदा इलाज ही कोई नहीं। बहुत सारा